लौट चले गांवों की ओर, प्रकृति की ओर। गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम मातृशक्ति और महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा एग्जाम्पल जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्र, जो कि पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के ऐसे गांव जहां महिलाएं आज संगठित होकर और किस प्रकार अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बना पा रही है, इसी दिशा में आज हम थानागाजी ब्लॉक के अजबगढ़ ग्राम पंचायत में आज हम अपनी टीम के साथ हैं। और यहाँ पर जो पत्तल निर्माण और डोने निर्माण का जो कार्य किया जा रहा है, जो छीले के जो पेड़ हैं उनके जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों को किस प्रकार उपयोग में लेकर और ये पत्तल निर्माण का और डोने निर्माण का जो कुटीर उद्योग जो इन्होंने यहाँ अपने घर पर स्थापित किया है, 4 से 5 महिलाएँ मिलकर इस काम को किस प्रकार परफेक्ट तरीके से कर पा रही हैं। ना सिर्फ इन्हें रोजगार का अवसर मिला है, साथ में ये महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण समाज में प्रेषित कर रही हैं। हमें यहाँ आकर इनके काम को देखकर लगा कि किस प्रकार हम आज प्लास्टिक का जो उपयोग लगातार तरीके से किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, लेकिन उसकी बजाय अगर हम पत्तों से बनी हुई पत्तल या डोने को अगर हम उपयोग में लेते हैं, ना सिर्फ उसको रिसाइकल करने में आसान होता है, वो प्रकृति को बचाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। क्योंकि प्लास्टिक से बने हुए डोने और प्लास्टिक की जो पत्तलें होती हैं, उसमें खाना खाने के बाद में उसको जब हम वेस्ट के रूप में फेंकते हैं तो वो काफ़ी दिनों के बाद वो अपशिष्ट के रूप में बदलता है। लेकिन अगर हम इसी प्रकार प्राकृतिक तरीके से जो बने हुए पत्तल, जो कि छीले के पेड़ के जो पत्ते हैं उनसे ये जो बनाई जाती हैं, उनको अगर उपयोग में लिया जाता है तो ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, साथ में वो एक आजीविका का जरिया भी बन रही है। आज महिलाएं अपने घर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। यहाँ आसपास के जंगल में बहुत सारे पेड़ों पर इस तरह के पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन्हीं पत्तों को अगर ये सही उपयोग में लेकर और उनका एक इनका जो छोटा सा उद्योग इन्होंने घर में ही स्थापित किया है, जिसके माध्यम से ये पत्तल बन के आसपास के क्षेत्र में लोग जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें लोगों को भोजन परोसने के लिए इसको काम में ले रहे हैं। तो हम अपनी इस गांववाणी टीम के तरफ से आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि आओ लौट चले गांवों की ओर, प्रकृति की ओर का जो हमारा एक विजन था उसको एक सार्थक करते हुए, चरितार्थ करते हुए ये एक कदम सही दिशा में इन महिलाओं के द्वारा, वाक्य में जो हम महिला सशक्तिकरण को हम कहते हैं कि अगर महिला संगठित होकर इस प्रयास को आगे बढ़ाए तो वो एक व्यवसाय का रूप धारण कर सकता है। इनका एक छोटे स्तर से किया गया प्रयास काफ़ी सराहनीय है, इसे एक मंच के माध्यम से हम आज आप सब लोगों के साथ साझा करने का काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों को अपने विवाह उत्सव या समारोह में अगर इस तरह की पत्तल की आवश्यकता होती है तो वो प्लास्टिक की बजाय इस तरह के प्राकृतिक रूप से बनी हुई पत्तलों को उपयोग में लें, जिससे ना सिर्फ इन महिलाओं को रोजगार मिलेगा, साथ में हम प्रकृति को संरक्षित रखने में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। तो हमने ये एक साझा प्रयास करके आपके साथ आज हम अजबगढ़ में ये सारा जो पत्तल निर्माण का जो कार्य है, आसपास के काफ़ी घरों में ये काम बहुत सी महिलाएं यहाँ पर कर रही हैं, जिससे उनको रोजगार के अवसर मिले हैं और महत्वपूर्ण रूप से वो आर्थिक रूप से समर्थ भी बन रही हैं। हम यहाँ मुन्ना देवी जी के घर पे हैं और इनके द्वारा विगत 30 वर्षों से इस व्यवसाय के माध्यम से ये अपने परिवार का जो भरण पोषण कर रहे हैं, साथ में आर्थिक रूप से समृद्ध बने हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे मुन्ना देवी जी कि कैसे ये, किस प्रकार आप ये पत्तल बनाते हो, कैसे ये पत्ते तोड़ के लेके आते हो, जिससे ना सिर्फ प्रकृति का संरक्षण हो रहा है, पेड़ों को काटना भी नहीं पड़ता, उनके जो पत्ते जो हैं उनके द्वारा आप ये नियमित रूप से पत्तल बनाने का काम कर रहे हो। तो मैं जानना चाहूँगा और आपसे हम ये जानना चाहेंगे पूरी टीम की तरफ से कि कैसे ये पत्ते तोड़ के लेके आते हो और कैसे इसे बनाते हो। बीच मारे थोड़ा फिर इंडल लावा, फिर दोबारा एक एक छूटा, फिर एक बार जैसे आप पूरे जंगल में पत्ते लेके आते हो तो कितने पत्तल बन जाती है एक बार मिलाते हो? एक बार मिला दो 500 बन जाओ थे, 1500 बन जाओ थे, कोई कोट में। तो आप अकेले जाते हो या और भी लोग जाते हैं? नराई जाऊं की गाड़ी रख जाऊं की। अब ये जो पत्ते हैं ये आप
काम करते हो तो महीने में लगभग कितने रुपए की आय अर्जित हो जाती है? मोटे मोटे तौर पे हम, अगर आपने बताया कि एक दिन में आप 400 पत्तल या डोने बना लेते हो, तो अगर हम महीने की बात करें तो लगभग 12-13 हजार पत्तल डोने बन जाते हैं, तो लगभग कितने रुपए की आय हो जाती है? हम मान के चलें कि लोग यहीं से खरीद के, रोज जाती मतलब एक साथ जाती है, जैसे कोई प्रोग्राम होता है एक साथ, तो बेचने के लिए मतलब आप खुद जाते हो या फिर लोग यहीं से खरीद, यहीं से लेके जाते हैं? तो लगभग अंदाजा मान के चले महीने में कितना बिक जाता है, मोटे मोटे तौर पे 4,000-5,000 4-5 हजार रुपए का आराम से आप मतलब बेच लेते हो, लगभग बिक जाता है बाबा साहब? इतने का तो हो ही जाता होगा काम, बाकी तो पूजा जी ने हमें बताया कि किस प्रकार यहाँ की जो बनी हुई पत्तलें हैं वो मोस्टली जयपुर तक भी बहुत सारे लोग यहाँ डिमांड करते हैं और उस आधार पर वो जयपुर तक भी पहुँचता है, और जो जयपुर जिस तरह की पत्तल की डिमांड होती है वो इस तरह से इन्होंने पूरे एक कैंची बनने के बाद उसे एक सेट के रूप में अलग तरीके से ये कटिंग करके उसको पूरा गोल बनाते हैं, जिसकी डिमांड जयपुर तक होती है। और इन्होंने बताया कि जयपुर से जो लोग यहाँ से इनके पास से पत्तल लेके जाते हैं वो लोग उसे मुंबई या बाहर के जो बड़े शहर होते हैं वहाँ तक भी पहुँचाने का काम करते हैं, और ये पत्तल बनने के बाद काफ़ी एक तरीके से प्राकृतिक तरीके से बनी हुई है, कोई केमिकल इसमें नहीं है। और साथ में ये पत्तल बनने के बाद देखो इनके हाथ में जो आपको दिख रहा है पूरा, ये चारों तरफ के किनारों को इन्होंने गोल किया और काट कर कैंची से इन्होंने एकदम बिल्कुल सही रूप में इस चीज़ को बनाया है। तो हमें अच्छा लगा आपके घर आके इस पूरे के पूरे काम को देखा, हमने भी सीखा कि कैसे इस पत्तल को बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं, कितना बारीक काम है जिसे हाथों से बनाया जाता है, और इसकी इतनी अच्छी डिमांड है गाँव से शहर तक की पहुँचाने की। हमारा भी प्रयास रहेगा गाँववाणी स्टूडियो के माध्यम से जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि इस प्रकार की जो प्राकृतिक तरीके से बनी हुई चीज़ें हैं उनको आप लोग भी खरीदें, और साथ में जहां इस तरह के विवाह समारोह में इन चीज़ों की आवश्यकता हो तो आप लोग ऐसे जो महिलाओं के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद हैं, हमारा प्रयास रहेगा हम अपनी टीम के साथ इस तरह की महिलाओं को संगठित करके एक क्लस्टर में या फिर एक ग्रुप में जोड़कर इन लोगों को एक बड़े उद्यम से जोड़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो इसी प्रकार के एक नए नवाचारों के साथ फिर हम इसी प्रकार गाँववाणी के रविवार विशेष कार्यक्रम में अगले सप्ताह फिर ऐसे ही कुछ नए रोचक ऐसे तथ्य जो हमारे आसपास इर्द गिर्द हैं और हमारी आँखों से ओझल हैं उन्हें हम डिजिटल रूप से आप लोगों तक पहुँचाने का एक प्रयास करेंगे। तो हम तब तक के लिए विदा चाहेंगे, अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे, और इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण का ये जीता जागता उदाहरण जो हमने यहाँ पर देखा, हम बाकी महिलाओं को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे छोटे मोटे जो लघु उद्योग जो हैं वो अपने यहाँ स्थापित करके और वो आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाएं। धन्यवाद।